इवनिंग, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। वेल, हर रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं बच्चन परिवार से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन है। जहां दोनों के तलाक के साथ, दोनों के रिश्ते को लेकर, दोनों के प्यार को लेकर, दोनों के डायवोर्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिस रिपोर्ट में दावा भी कर दिया और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के तलाक की। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में बकायदा दावा किया गया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन आपसी सहमति से अलग रहने का दोनों ने फैसला ले लिया है और बहुत जल्द कानूनी तरीके से अलग हो जाएंगे, दोनों का तलाक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्वीट किसने किया। दूसरा सवाल ये है कि ये ट्वीट जब सामने आया तो ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने क्या कोई रिएक्शन दिया, और क्या इस ट्वीट के बाद वाकई ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन तलाक ले लेंगे। सवाल कई तरह के हैं, लेकिन जहां पर अभी तक सिर्फ तलाक को लेकर र्यूमर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद अब ये बात सच होती नजर आ रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। आखिर क्या है पूरी खबर, तो देखिए ये रिपोर्ट। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में आ चुकी है दरार, जाने क्या है तलाक उठने की असली वजह। इंटरनेट पर इन दिनों बॉलीवुड के दो होनहार कलाकारों का नाम इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये नाम कोई और नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय और उनके पति अभिषेक बच्चन की है, लेकिन उनका नाम अभी तक किसी फिल्म प्रोजेक्ट या किसी फैशन इवेंट के लिए नहीं बल्कि आपसी मतभेद को लेकर वायरल हो रहा है। दरअसल काफी समय से बॉलीवुड गलियारों में ये खबर वायरल हो रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों में मनमुटाव आ चुका है और अब ये मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वो कारण बताएंगे जिसकी वजह से दोनों के तलाक को लेकर चर्चा होना शुरू हो गई। तो पहला कारण है, जब बॉलीवुड के सारे स्टार्स पार्टीज में ऐश्वर्या के अकेले भाग लेने यानी कि पार्टिसिपेट कर लेने और ऐश्वर्या के बीते कुछ इवेंट्स में उनके अकेले शिरकत करने पर सवाल उठाए। हाल ही में ऐश्वर्या राय को मुंबई में ऑर्गेनाइज किए गए नीता मुकेश अंबानी के सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन समारोह में बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची थी। एक्ट्रेस ने पेपराजीज को पोज भी दिए थे, लेकिन अभिषेक बच्चन इस पार्टी में नजर नहीं आए थे। अब दूसरी बात करते हैं, जब ऐश्वर्या राय ने बेटी के साथ अकेला जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। दूसरा कारण, एक समय में बॉलीवुड की पसंदीदा रही जोड़ी एक समय में साथ में तस्वीरें लगाती थी। आपको बता दें लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोई भी साथ में तस्वीर नहीं लगाई, जिससे उनकी शादी के बारे में और ज्यादा सवाल उठने लगे। इसी के साथ ऐश्वर्या का अपनी बेटी के साथ अकेले जन्मदिन मनाना इस तलाक की खबरों को और ज्यादा अफवाह देने लगा और इस पर लगाने लगा मुहर। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, फिल्म क्रिटिक उमेश संधू के ट्वीट से मिली हवा। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए कंट्रोवर्शियल फिल्म क्रिटिक उमेश संधू ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि वायरल हुआ ट्वीट बोल रहा है। अब इसी के बाद बताते हैं आप सबको चौथा कारण। जी हाँ, पारिवारिक कलेश को लगाया जा रहा है अनुमान। चौथा कारण है कि हाल ही में ये खबर सुनने को मिली थी कि अमिताभ बच्चन अपना प्रतीक्षा बंगला अपनी बेटी श्वेता के नाम कर चुके हैं, जिसके बाद से ही लगातार ये खबर वायरल हुई कि पारिवारिक कलेश की वजह से ही अमिताभ बच्चन ने ये फैसला लिया है। अब बात करते हैं पांचवे कारण की। दरअसल बीते 3 महीने से ऐश्वर्या और अभिषेक कहीं भी एक साथ किसी भी इवेंट पर नजर नहीं आए। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भी ऐश्वर्या अकेली पहुंची थी। इसी के साथ हाल ही में विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर की स्क्रीनिंग में भी अभिषेक बच्चन अकेले पहुंचे, जिसे देखने के बाद लोगों का शक
और यकीन में बदलता जा रहा है। वहीं कुछ लोग कारणों को बता रहे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले पेरिस फैशन वीक पहुंची ऐश्वर्या और उस दौरान नव्या ने वहां पर रैम वॉक किया था। वहीं नव्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी माँ श्वेता बच्चन और नानी जया बच्चन मौजूद थी। दोनों शो में आगे बैठकर नव्या को चीयर करती नजर आई, लेकिन वहां पर ऐश्वर्या और आराध्या ने जया, श्वेता और नव्या से दूरी बना रखी थी। और इसके बाद जब ऐश्वर्या स्टेज पर आई तो किसी ने भी ना तो उनकी फोटोज क्लिक की और ना ही उनके बारे में चर्चा की। जब मीडिया वालों ने ऐश्वर्या रॉय के रैम वॉक को लेकर सवाल की तो यहां पर सब ने मुंह बना लिया और किसी ने भी सच ना कहने का फैसला ले लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये ठप्पा लग ही गया कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन वाकई ऑफिशियली नहीं बल्कि अपने आप उन्होंने फैसला ले लिया है एक दूसरे से अलग होने का, भले ही इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना की हो। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है अपने डायवोर्स को लेकर, अपने टूटे रिश्ते को लेकर, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो लोग किस तरह से सवाल उठाएंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर इसका पूरा सच क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस खबर की पूरी अपडेट अब सामने आ चुकी है और इसी अपडेट से जुड़ा पूरा सच खुलकर सामने आ चुका है, जिसका सच हमने आपको बताया और इसी सच के साथ बताई है आपको सच्चाई। तो आप सबको ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, यानी कि कहीं ना कहीं जो अफवाह उड़ रही थी वो सच होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट के जरिए ये बात वायरल की जा रही है, जहां पर ट्वीट किया है और ट्वीट से ये दावा किया है कि यहाँ पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन अलग हो चुके हैं, तो वहीं फिल्म क्रिटिक उमेश संधु के ट्वीट के बाद बताया गया दावा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं, तो यहाँ अब बात कंफर्म हो चुकी है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के एक दूसरे से अलग होने की और एक दूसरे से जुदा होने की। अब इस बारे में आप सबकी क्या है राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर ट्वीट के बाद सारी सच्चाई आई सामने। इस रिपोर्ट में हमने आप सबको तलाक के वो पांच कारण बताए जिसके जरिए आप शायद समझ पाए होंगे कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किस वजह से हो रही है ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की। तो आप सब की इस बारे में क्या है राय जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।